1565 में आज ही दिन तालिकोटा की लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य नष्ट हुआ था। तालिकोटा की लड़ाई दक्कन की सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी। विजयनगर साम्राज्य की ये लड़ाई राक्षस तांगड़ी नामक गांव के नजदीक लड़ी गई थी। तालिकोटा की लड़ाई के समय सदाशिव राय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। सदाशिव राय ने दक्कन की इन सल्तनतों के बीच अंतर पैदा करके उन्हें पूरी तरह से कुचलने की कोशिश की थी। हालांकि बाद में इन सल्तनतों को विजयनगर के इस मंसूबे के बारे में पता चल गया था और उन्होंने एकजुट होकर एक गठबंधन का निर्माण किया और विजयनगर साम्राज्य पर हमला बोल दिया था। दक्कन की सल्तनतों ने विजयनगर की राजधानी में प्रवेश करके उनको बुरी तरह से लूटा और सब कुछ नष्ट कर दिया। 1950 में आज ही के दिन भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को देश के मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चुनाव आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन हुआ था। चुनाव आयोग एक स्वायत्त अर्ध न्यायिक संवैधानिक निकाय है। चुनाव आयोग के कामकाज में कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। चुनाव आयोग के प्रमुख काम है निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना, मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता और चुनाव चिन्ह देना, उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच करना, उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की जांच करना और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, जिन्होंने 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक कार्यभार संभाला। 1971 में आज के दिन हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य घोषित किया गया था। हिमाचल प्रदेश पश्चिमी भारत में स्थित राज्य है। यह उत्तर में जम्मू और कश्मीर, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में हरियाणा और उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड और पूर्व में तिब्बत से घिरा है। हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ बर्फीले पहाड़ों का अंचल है। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में आर्यों का प्रभाव ऋग्वेद से भी पुराना है। आंग्ल गोरखा युद्ध के बाद यह ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया। 1857 तक यह पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के शासन के अधीन पंजाब राज्य का हिस्सा रहा। 1950 में इस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लेकिन 1971 में हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1971 के अंतर्गत इसे भारत का 18वां राज्य बना दिया गया। और 1980 में आज ही के दिन मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा रोमन कैथोलिक नन थी। इन्होंने 18 वर्ष की उम्र में समाज सेवा के लिए घर छोड़ दिया था। 1929 में मदर टेरेसा भारत आईं। सबसे पहले वो दार्जिलिंग रहीं, फिर कोलकाता में रहने लगी। 1943 में बंगाल में पड़े अकाल से हजारों लोगों की मौत हो गई। इस दौरान मिशनरी के निर्देशों की परवाह किए बिना मदर लोगों की मदद करने में जुट गई। 1950 में मदर टेरेसा ने कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। अपनी आखिरी सांस तक वह जरूरतमंदों, कुष्ठ रोगियों और निर्बलों की देखभाल करती रहीं।